ऐसा रिकमेंडेड है गाइडलाइंस में कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको हफ्ते में करनी है, विच इज रफली इक्वल टू 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक। तो आपको एटलीस्ट 7 में से 5 दिन 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइट एक्टिविटी करनी है। Everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show and today we are going to talk about heart health, जिसके लिए हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत मणि। सर कैसे हैं आप? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, द गुड हेल्थ शो में, और आज हम बहुत क्रिटिकल टॉपिक ले रहे हैं, हार्ट हेल्थ। वैसे तो अगर इमोशनली दिल टूट जाए तो थोड़ी दिन में रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर फिजिकली दिल को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। एंड सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि हार्ट हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में नंबर वन कॉज, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीज। तो हार्ट हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें जो इंडिया में हो रही हैं वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना है और इससे हम अपनी यंग जनरेशन को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की एसोसिएटेड विद हार्ट, हार्ट से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जो मेन स्टडीज की गई हैं हार्ट के ऊपर, उसमें जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं, सबसे कॉमन है स्मोकिंग और डायबिटीज। स्मोकर्स का 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का, ऐसे ही डायबिटीज से हार्ट डिजीज होने का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आजकल हम काफ़ी कॉमन देख रहे हैं वो है जेनेटिक फैक्टर्स। काफ़ी यंग लोगों में बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस, ऐसा लाइफस्टाइल की वजह से भी हार्ट डिजीज कम एज में हो रही है। तो हार्ट डिजीज के मेन कॉमन कारण है जेनेटिक फैक्टर्स, स्मोकिंग और डायबिटीज। इसके अलावा जो बाकी रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट डिजीज को कंट्रीब्यूट करते हैं वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बीपी, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, स्मोकिंग, अच्छा खान पान ना करना। खान पान का वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस बारे में। ये सब रिस्क फैक्टर्स है आपको हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब रिस्क फैक्टर्स है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। ओके सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना है तो डाइट बहुत अच्छी लेनी होती है और डाइट फैक्टर्स भी हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हम ऐसे अपनी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम अपना दिल का ख्याल रख पाएँ। आजकल सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है वो है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया आजकल की पॉपुलेशन में, और स्ट्रेस की वजह से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपके हार्ट पर लोड पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से बंदा फिजिकल एक्टिविटी करना कम कर देता है, ओवर ईटिंग शुरू कर देता है, ओबेसिटी हो जाती है। स्ट्रेस से हार्मोन्स रिलीज होने से शुगर भी बढ़ जाता है बॉडी में, ये सब इंडायरेक्टली हार्ट के डिजीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो स्ट्रेस को कम करना है, उसको चाहे तो आप फिजिकल एक्टिविटी करने से कम करें, चाहे अच्छी अपने सोशल सर्कल से कम करें, चाहे योगा मेडिटेशन से कम करें। फिजिकल मेंटल स्ट्रेस के अलावा जो और चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंज करनी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा रिकमेंडेड है गाइडलाइंस में कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको हफ्ते में करनी है, विच इज रफली इक्वल टू 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक। तो आपको एटलीस्ट 7 में से 5 दिन 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइट एक्टिविटी करनी है, जैसे कि ब्रिस्क वॉक इसमें आता है या कोई एरोबिक्स या जिम या स्विमिंग इसमें आता है। 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक्स एक्टिविटी आपको करनी है। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है जो मसल बिल्डिंग है। तो मसल बिल्डिंग एक्टिविटीज हफ्ते में 2 दिन और एरोबिक एक्टिविटीज मॉडरेट इंटेंसिटी वाली हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स अ डे। तो अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है और इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ, मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी, हम जितने भी इंटरव्यूज करते हैं सर, सारे डॉक्टर्स एक बात ही जरूर बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। सर अगर बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की हार्ट डिजीज से रिलेटेड तो वो क्या क्या होता है? देखिए, ज्यादातर लोगों में तो हार्ट की जो पहली निशानी होती है वो है छाती में दर्द होना। अब ये भी जरूर नहीं हर पेशेंट दर्द के साथ आए, ज्यादातर दर्द भी अलग अलग फॉर्म का होता है। किसी को तेज दर्द होता है, किसी को सिर्फ भारीपन होता है, किसी को सिर्फ खिंचाव होता है, किसी को सिर्फ जलन होती है। तो ये सब भी एक दर्द के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग वेराइटी है, सिवियरिटी है। तो ये दर्द का जो एरिया है मैं डिफाइन करूँ, ये लोअर जॉ से लेकर नाभि तक, अम्बिलिकस से
लोअर जॉ से छाती, दोनों कंधे, पूरी चेस्ट और अपर एब्डोमेन अप टू द एम्पलाइकस। यहाँ कहीं भी दर्द, भारीपन, जलन, ऐसा कोई भी सिम्टम या खिंचाव, ज्यादातर ये सिम्टम्स यूजली या इवन अपर बैक में, कुछ हार्ट की आर्टरी जो हार्ट के बैक वाले पार्ट में सप्लाई करिए, फिर उसके ब्लॉकेज से आगे की तरफ भारीपन या दर्द नहीं होता, अपर बैक में भारीपन या दर्द होता है। तो ये दर्द या भारीपन छाती, कंधों में, चेस्ट में, अपर एब्डोमेन में कहीं भी आपको महसूस हो, खासकर ये भारीपन चलने पर बढ़े, एक्सर्शन से बढ़े, क्योंकि हार्ट को चलने पर ज्यादा एक्टिविटी एक्सर्शन लोड पड़ता है। तो यूजली शुरू की स्टेजेस में ऐसा भारीपन चलने से बढ़ता है और रुकने से या खड़े होने से बेटर हो जाता है। भारीपन पहला सिम्टम है। चेस्ट हैवीनेस हर पेशेंट को नहीं होती, कुछ पेशेंट को सिर्फ सांस फूलना, बेल्चिंग होना, रट्टे डकार आना, बेहोशी होना, चक्कर आना, तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को नियर बाय अपने कंसल्ट करें और इसकी जांच कराएं कि ये भारीपन कहीं हार्ट से संबंधित तो नहीं है। ओके सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जिम में बहुत डेथ हो रही है और कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, बहुत से ऐसे में अभी रिसेंटली भी न्यूज में आती है कि सोते सोते डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से और जिम में हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे देखिए काफी डेथ नहीं हो रही, बस ये कि वो वाली डेथ थोड़ी नोटिस हो जाती है। ऐसे ऐसे मैंने बताया हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज है डेथ का इंडिया में, सबसे नंबर वन मोर्टेलिटी हार्ट डिजीज से ही होती है। तो जिम में अगर कोई, जैसे मैंने बताया आजकल यंग एज में भी हार्ट डिजीज काफी हो रही है, अब किसी ने अपना कभी भी हेल्थ का चेकअप, हार्ट चेकअप नहीं कराया और उसको हार्ट डिजीज है और वो एकदम ये सीवियर एक्सरसाइज में आ जाता है, जिम में आपने बहुत हैवी लोड उठा लिया, बहुत तेज एक्सरसाइज कर ली, काफी इंटेंस एक्सरसाइज कर ली और आपको पहले से हार्ट डिजीज है, तो डेफिनेटली उसका हार्ट अटैक का, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो या तो आपको अगर किसी एक मिडल एज के बाद ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी है जो सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो, काफी हैवी इंटेंसिटी हो, तो आप पहले अपना हार्ट का चेकअप कराइए, चेकअप के बाद ही शुरू कीजिए। तो इसलिए क्योंकि डेथ नोटिस होती होती है, क्योंकि एक एक्टिविटी यंग बंदा जो एकदम एक्टिविटी शुरू करता है और जिम जाता है, हार्ट डिजीज का उसको पता नहीं होता और एक्टिविटी करने से उसकी मौत हो जाती है। सर अगर बात करें डाइट की, तो डाइट मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी डाइट हमारी हार्ट से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि कहते हैं कि अगर जैसे आप अच्छा खाते हैं तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि हमारी डाइट में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए हार्ट के लिए और ये कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। डाइट में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स कैलोरी, अगर आप ज्यादा कैलोरी लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, इंडायरेक्टली शुगर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, जो इंडायरेक्टली हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा और आपको हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ेगा। तो एक तो आपको वेट मेंटेन करने के लिए, मोटापा भी क्योंकि हार्ट डिजीज का एक रिस्क फैक्टर है, आपको कैलोरीज इनटेक उतना रखना है कि आपका वजन आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल रेंज में रहे। और दूसरा पार्ट है क्वालिटी ऑफ डाइट, तो क्वालिटी ऑफ डाइट में है कि डाइट में आप किस प्रकार की क्वालिटी लें जिससे जो हार्ट को हेल्दी रखे, उसमें होल ग्रेन्स, फाइबर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें हार्ट हेल्दी प्रोपोर्शन है, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो आपको इन चीज का सेवन बढ़ाना है और जो चीज सेवन नहीं करना है उसमें सबसे ऊपर है फ्राइड फूड, मलाई, मक्खन, तला हुआ खाना, ये सब हार्ट को खराब करता है। और इवन शुगर, शुगर को लोग इतना बुरा नहीं मानते कि मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं तला हुआ नहीं खा रहा तो मुझे हार्ट सेफ रहेगा, लेकिन शुगर भी इनडायरेक्टली बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में चेंज होता है, मोटापा बढ़ाता है, उससे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है बॉडी को और आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। तो सिर्फ फैट कम करने से ही आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती डाइट की, आपको शुगर्स भी, रिफाइंड शुगर्स भी अवॉइड करने हैं। एंड सर अगर बात करें लाइक एज ग्रुप की, तो हार्ट हेल्थ मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एज में हो सकती है या फिर वो एक टारगेट करता है किसी एज में?